नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रच दिया। देश को सालों से जिस राम मंदिर के निर्माण का इंतजार था, प्रधानमंत्री ने देशवासियों का वो सपना पूरा कर दिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया और इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजन स्थल पर बैठे। प्रधानमंत्री की राम भक्ति की चार तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो भूमि पूजन कर रहे हैं। इससे पहले वो जन्मभूमि परिसर पहुंचे, वहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और रामलला की आरती भी उतारी। इससे भी पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी का दर्शन पूजन किया और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए। तो चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी की, उनकी भक्ति की, बजरंग बली की भक्ति की, श्री राम की भक्ति की और भूमि पूजन की। आप देखिए रामलला की कैसे उन्होंने आरती उतारी और उससे भी पहले हनुमान जी से कैसे उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर अनुमति ली, रामलला के सामने पहुंचकर सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद परिक्रमा की, रामलला की परिक्रमा की और तब जाकर पारिजात का वृक्षारोपण किया और भूमि पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चार तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति की। अब छह तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए आप, बजरंग बली की आरती हनुमानगढ़ी में, उसके बाद उनका दक्षिणा चढ़ाना, फिर मंदिर की परिक्रमा, उसके बाद रामलला की आरती और उससे भी पहले साष्टांग प्रणाम करना रामलला को और उसके बाद पारिजात का वृक्ष लगाना जिसे स्वर्ग का वृक्ष कहा जाता है, वो जन्मभूमि परिसर में आज प्रधानमंत्री ने लगाया भूमि पूजन से पहले। तो ये छह तस्वीरें आज की सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वीरेश पांडे अयोध्या में इस वक्त हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद, लगातार पिछले कई दिनों से अयोध्या की तमाम घटनाक्रम को, तमाम बड़ी तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी गंगा की पूरी टीम और खुद ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त भी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, सुबह से तमाम प्रोसीडिंग्स पर नजर रखे हुए हैं। वीरेश, इस वक्त क्या महत्वपूर्ण घट रहा है वहां पर? देखिए, मैं सरयू तट पर हूं और मौनी बाबा अभी 3 घंटे जल समाधि उन्होंने किया, उस संघर्ष के प्रतीक हैं ये, चूंकि उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, राम जन्म भूमि आंदोलन के उस समय के भी साक्षी हैं जब ये विवादित ढांचा ढहाया जा रहा था और खुद अमेठी से आते हैं, ऐतिहासिक जगह खुद है और इनका आश्रम वही है जहाँ राजीव गांधी, सोनिया गांधी हमेशा। चलिए, मौनी बाबा ने अपने विचार व्यक्त किए थोड़ी देर पहले वीरेश कविता के जरिए और वो भावुक होके काव्य के माध्यम से कई बार ऐसी बात करते रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, राजकिश्वर सिंह जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा बलदेव राज शर्मा जी हैं। राजकिश्वर सिंह जी के पास चलेंगे। राजकिश्वर जी, ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा होगा, आपको याद होगा जब भारत की राजनीति का डिस्कोर्स ही बदल गया राम मंदिर मूवमेंट की वजह से और आज उसका कल्मिनेशन पॉइंट माना जाए जो अभी हुआ है अयोध्या में। अभी तात्कालिक तौर पर तो ऐसा लगता है जी, अभी ऐसा लगता है कि राम मंदिर का काम शुरू होने के साथ साथ जो मंदिर की पॉलिटिक्स थी वो हो सकता है थोड़ा रुके, लेकिन मैं ये नहीं मान पा रहा हूँ कि ये यहीं अंत हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि राम मंदिर का काज शुरू होने के साथ साथ, निर्माण शुरू होने के साथ साथ, होता क्या है कि अमूमन किसी को जब जो चीज़ मिल जाती तो उसकी भूख और बढ़ती है। आपने सुना होगा शुरू से, जब से मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था 80 के दशक में, हाँ, जहाँ से शुरुआत हुई थी तब से ये होता था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी 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 जी। तो आज अयोध्या का तो एक मुकाम पहुंच गया कि वहां की बाधा दूर हो गई, मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अभी तात्कालिक तौर पर भले ये रुका रहे, लेकिन आगे चलकर कुछ और चीजें ऐसी आएंगी जिससे इस तरीके की चीजें जैसे मथुरा और काशी की बात कहीं कहीं शुरू हो सकती है। या क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 85-86 में जब ताला खुला तो 85 में एक नारा दिया गया था, आगे बढ़ो जोर से बोलो
जन्मभूमि का ताला खोलो, तो ताला बंद था, ताला खोलने के लिए आंदोलन हो रहा था और बहुत छोटी तादाद में, थोड़ी तादाद में लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे थे जी। फिर ताला खुल गया, जब ताला खुल गया तब नारा बदल गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मंदिर बनाने में 30 साल लग गया, आंदोलन चलता रहा, चलते 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 आज उस मुकाम तक पहुंचा। तो कई मरतबा आप देखेंगे चीजें बहुत धीरे से शुरू होती हैं जी, धीरे धीरे चलते चलते एक दिन कोई नहीं जानता था 80 में और 86 में कि मंदिर आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे देश को असर कर देगा, भारतीय राजनीति को असर कर देगा। तो इसने पूरे देश को असर किया, भारतीय राजनीति को 3 दशक तक बढ़िया से प्रभावित किया और आज ये मुकाम पर पहुंचा। तो ऐसा हो सकता है आगे चलकर, बिल्कुल 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 राजकिशोर जी, उस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त शायद बड़े बड़े विश्लेषकों ने नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर आंदोलन चलकर पूरे भारत की राजनीति ही बदल देगा। हमारे पास बड़ी खबर है, हमारी सहयोगी प्राची उस बड़ी खबर को आप तक पहुंचाएंगी। प्राची बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर यह है अयोध्या से कि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं। दिनेश शर्मा ने हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया है, ये भी कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, भगवान जल्द कोरोना से भी निजात दिलाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो कि इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बने, वो हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया है। क्या कुछ कहा है दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम ने, सुनिए। मैं समझता हूँ जिंदगी का सबसे स्वर्णिम दिन है, ऐसा मनोहारी दृश्य मैं समझता हूँ इस जीवन का, जो जीवन की सबसे बड़ी सफलता के रूप में मैं इसे देखता हूँ। भगवान राम आज यहाँ पर विराजेंगे मंदिर के रूप में, उनका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किया है तो जैसे लग रहा था कि पूरा वायुमंडल राममय हो गया है और सभी जगह पर राम जी के जयकारे के साथ में जिस प्रकार से यहाँ की मिट्टी को सर माथों पर लगाया है, मैं तो एक भगवान राम की मिट्टी को लेकर जा रहा हूँ जो यहाँ शिलान्यास हुआ है। ये एक प्रसाद के रूप में है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए है। देखा आपने, डॉक्टर दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे राम भक्तों के लिए। बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ हैं, कार्य सेवक रहे, गिरफ्तार हुए उस दौरान भी, आज हमारे साथ, हमारा सौभाग्य हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, उस मिट्टी को ले जा रहा हूँ, उससे राष्ट्र निर्माण होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ बातें शायद हो सकता है शब्दों की सीमा से कुछ भावनाएं बाहर चली जाती हों, मुझे लगता है कि बहुत सारे राम भक्तों के लिए शायद आज वही दिन है। वास्तव में आज बहुत ही गौरव का दिन है, जिस कार्य के लिए पिछले 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, हमारे लाखों लोग उनका बलिदान हुआ, आज उसका एक अच्छा परिणाम देखकर अच्छा लग रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। मैं इस मौके पर अडवाणी जी के साथ साथ श्री कल्याण सिंह जी तत्काल मुख्यमंत्री, हाँ, श्री राजनाथ सिंह जी तत्काल शिक्षा मंत्री, श्रीमान बालेश्वर त्यागी जी हमारे गाजियाबाद के राज्य मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री, और उनकी पूरी टीम के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि जब 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराया गया, उस रात तीसरा गुंबद गिरा, तो हमारे राजनेताओं ने माननीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में सबसे फैसला किया कि आज हम गवर्नर के पास अपने त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तो सब उसी दिन ही शाम को हमने अपना त्यागपत्र दे दिया कल्याण सिंह जी ने, और अपना मुख्यमंत्री का पद जो है वो राम के नाम निछावर कर दिया जी। लेकिन 2 दिन बाद कांग्रेस सरकार ने, हमने यहाँ तो किया अपनी इच्छा से अयोध्या उत्तर प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल की हमारी 3 सरकारें थी, उनको कांग्रेस सरकार ने भंग कर दिया। इतनी बौखलाहट थी उनके अंदर कि हो क्या गया, लेकिन जिसका अंत
अंत अच्छा है तो वो सब अच्छा ही अच्छा है। हमें अब अच्छा लगता है कि ये एक ऐसा स्थान बनेगा जिसमें भारत की संस्कृति, भारत की पहचान, भारत का गौरव, एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है ये राम मंदिर। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी और वर्तमान में हम जो लोग आज जिन्होंने भगवान राम की जन्म स्थान पर शिला पूजन होते देखा प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये भी एक इनका भी नाम इतिहास में अंकित हो जाएगा। ठीक बात। हमारे बच्चे कहेंगे हमारे दादा परदादा भी जी उसमें थे भूमि पूजन में जब भगवान राम का मंदिर बना था जी जी जी, जी और जी, बहुत जी, ही अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं अपने उन साथियों को, उन बलिदानियों को, उन कार सेवकों को पुण्य पढ़ने सादर प्रणाम करता हूँ कि जिनके बलिदान स्वरूप हमें आज ये शुभ दिन देखने को मिला। जय भारत, जय श्री राम जी। बिल्कुल, लगातार मेहमानों से चर्चा राजेंद्र कर रहे हैं मेरे सहयोगी, लेकिन तस्वीरें आज की बहुत खास हैं, ये भी आप तक जरूर हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी गए, वहां पर उन्होंने बजरंग बली की आराधना की। पीएम मोदी ने बजरंग बली को दक्षिणा चढ़ाई, साथ ही मंदिर की परिक्रमा भी की। इसके बाद पीएम मोदी भूमि पूजन स्थल पहुंचे जहां उन्होंने सबसे पहले रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद पीएम ने रामलला की आरती उतारी। बाद में पीएम मोदी ने भूमि पूजन स्थल के पास पारिजात का पौधा भी लगाया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जब बजरंग बली के दर्शन करने के लिए पहुंचे, यानी हनुमानगढ़ी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तस्वीर है जब हनुमानगढ़ी से निकलकर रामलला के दर पर पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया, माथा टेका और फिर रामलला की आरती भी उतारी, परिक्रमा की और फिर परिसर में जाकर पारिजात का पौधा लगाया जो भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है, उसके फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो रामलला के वकील के पारासरण ने घर में ही भूमि पूजन का प्रसारण देखा है, देखिए जरा। निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज अयोध्या में आगमन हुआ। उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हम सबका संबल रहा है और आज 500 वर्षों की इस बहुत प्रतीक्षित तिथि में स्वयं उनकी उपस्थिति अयोध्या धाम में हुई। मैं इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के बारे में जो भी कार्य योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है उसे लागू करना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर के माध्यम से यह न केवल राम की यश और कीर्ति का प्रतीक बनेगा अपितु यह मंदिर दुनिया में भारत की यश और कीर्ति का प्रतीक भी बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये राम मंदिर पूरी दुनिया को शांति और ताकत का एक मैसेज देगा। भारत का शांति, मैत्री और करुणा का संदेश भारत का रहा है और राम मंदिर उन सब की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बदल रहा अयोध्या धाम, राम की पैड़ी के रंग, भक्ति की धारा के संग, अरे लिख दो मारे ये रूम रूम में राम राम हो रमापति। भूमि पूजन से जुड़ी हर पहल, तैयारियों का पल पल। मैडम ये तो जादू की छड़ी है।
इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ SR इंपीरियल स्टील से। मैं बाहर नहीं आ सकता। But why? हजार साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। इन डिब्बों में क्या है, सामान ही तो है, अपनों से जुड़े रहने का अरमान ही तो है, जिंदगी मिल बांट के रीस्टार्ट करने का एक प्लान ही तो है। इन डिब्बों में क्या है, सामान ही तो है, बिटिया का नया स्कूल, बातें प्यारी प्यारी, अप्रैल में गुजरी सालगिरह की साड़ी, कुछ मुस्कान कुछ अरमान। इन डिब्बों में नहीं सिर्फ सामान, कुछ पुरानी तो कुछ नई सौगातें हैं। इन डिब्बों में आपकी नई शुरुआतें हैं। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। हाय, मेरा नाम आकाश है और मैं नापको से बिलोंग करने वाला हूँ। मैंने MPL वो डाउनलोड किया और उसमें 30 गेम थे, बहुत से इनाम थे, तो उसमें मैंने 800,000 रुपए पूरे ऐसे जीते। मेरा यही कहना है कि आप सब MPL डाउनलोड करो और उसे खेलो। डाउनलोड द MPL ऐप फ्रॉम MPL.live। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, 250 एकर्स कैंपस, 220 प्लस प्रोफेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स, 20,000 प्लस स्टूडेंट्स। गिव विंग्स टू योर करियर विद स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ दिल्ली NCR। मैं सोच रही थी कि इस टाइम कुक भैया को उनकी सैलरी के ऊपर थोड़े और पैसे दे दूं। मैं भी सोच रहा हूँ मौसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश विड्रॉ करके लाऊं। कैश क्यों? तो अपने अमेज़न से बैंक ट्रांसफर कर दे। अरे हाँ यार, कुछ जरूरी कुछ हम सबकी जिम्मेदारी, बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर्स के लिए है अमेज़न। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम, 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। आज शुरू होगा बाइकिंग का नया कल। हीरो पेश करता है अपनी नई PS6 रेंज जिसमें है XSense विद प्रोग्राम्ड FI इंटेलिजेंट सेंसर टेक्नोलॉजी, अब हीरो के हर बाइक और स्कूटर में। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ सदैव आपकी सेवा में। जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्सन्स थ्रोट एड अपनाएं, यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्सन्स होम्योपैथी। ABP न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आज भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी मंच पर पहुंचे और इस दौरान सबसे पहले सीएम योगी ने मंच संभाला। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि 5 शताब्दियों के बाद यह सपना पूरा हुआ है। 7 पवित्र पुरियों में एक अवधपुरी में पीएम मोदी का स्वागत है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 500 सालों का बड़ा और कड़ा संघर्ष रहा और अब ये दिन पूरे भारतवर्ष को सभी भारतवासियों को याद रहने वाला है। 500 वर्षों का एक लंबा बड़ा और कड़ा संघर्ष साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें, लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन
लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसाद होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार राजकेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं। राजकेश्वर जी, 492 वर्ष माना जाता है मीर बाकी ने 492 साल पहले विध्वंस किया था वहां पर, और उसके बाद जाकर आज भूमि पूजन हो रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, जो बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं संविधान सम्मत तरीके से लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका की मर्यादा और कार्यपालिका की मर्यादा के साथ हो रहा है। जब मूवमेंट शुरू हुआ था तो ऐसा किसी ने सोचा था कि यह मूवमेंट भी आएगा? तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये सुप्रीम कोर्ट से इसका डिसीजन होगा। और जिन लोगों ने 90, 91, 92 में अयोध्या को देखा है कि कैसे आंदोलन हो रहा था, जिले जिले में कर्फ्यू लगे हुए थे, पुलिस लगी हुई थी सड़कों पर, लखनऊ से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद था, लोग सड़कों से छोड़कर चक्रोड और खेतों के रास्ते अयोध्या पहुंच रहे थे, तो जिस तरीके को आंदोलन था उससे तो नहीं लग रहा था कि आगे चल के इसका फैसला कोर्ट से होगा। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं, और इस बीच जितने भी प्रयास हुए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने इस पे, वो ऐसी स्थिति थी कि वो समझौते से हो ही नहीं सकता था जी। क्योंकि ऐसा पेचीदा, इवन देन आप हाई कोर्ट का फैसला देखें तो हाई कोर्ट ने भी उस जगह को तीन हिस्सों में बांट दिया था। बिल्कुल, एक हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया था, तो उससे तो विवाद खत्म ही नहीं हो सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके हल होगा इसका, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन आज की तारीख में यह बात सच है कि इसका विधि सम्मत तरीके से फैसला हुआ है, और विधि सम्मत तरीके से मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन दी गई है, और विधि सम्मत तरीके से मंदिर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है जी। तो ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था, और ये चीज हाँ देश के हित में है कि यदि मामला यहीं से सुलट जाए और सब लोग जो देश की आस्था है, मंदिर बन जाए, चीजें अपने ट्रैक पर आ जाएं, तो ये बहुत बड़ा काम है कि देश अब मंदिर मस्जिद इन सब झगड़ों से अलग निकलकर बाकी काम करे। 30 साल में देश को इस झगड़े के चलते बहुत नुकसान हुआ है जी, जी। पॉलिटिकल पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने इसको समय समय के हिसाब से बहुत भुनाया इस मुद्दे को अपनी सुविधा अनुसार, और हर पार्टी चुनाव में इसका फायदा लेती रही है अपने तरीके से। तो ज्यादा बेहतर होगा कि मंदिर भी बन जाए और बाकी चीजों पर जिससे देश आगे जा सके अब उस पर फोकस किया जाए। तो जो बात आपने पूछी थी कि क्या ऐसा, अब उस पर फोकस, और जो आपने पूछा था कि कोई सोचा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इसका फैसला लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से होगा। इवन देन हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी एक पेज फंसा हुआ था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, राजकेश्वर जी और बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस ऐतिहासिक दिन पर, और अपने अनुभव शेयर करने के लिए, अपनी टिप्पणियां करने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है, और जैसा कि अभी आपने देखा, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका आखिरी फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी, और वहां से फैसला आने के बाद मंदिर का भूमि पूजन होगा, जो कि आज हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।